हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे आज के ट्रेड सेटअप के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम यूएस मार्केट के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें डाउ जोन्स के फ्यूचर में ऑलमोस्ट 170 पॉइंट्स का एक गिरावट देखने को मिल जाएगा, जबकि S&P 500 के केस में हमें इसमें एक फ्लैट ट्रेंड दिखाई देता है। लेकिन नैस्डैक के केस में इसमें अभी भी एक अपसाइड दिखाई देता है, तो इसे देखते हुए आज हमें एशियन मार्केट में एक मिक्स ट्रेंड दिखाई दे सकते हैं। करंटली SGX निफ्टी 11,030 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसे देखते हुए हमें निफ्टी 50 में आज एक बियरिश ओपनिंग दिखाई दे सकता है और ये हमें 11,050 के नीचे ओपन होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम Q1 अर्निंग्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो आज अपने Q1 अर्निंग्स को रिपोर्ट कर सकते हैं, जिनमें एक्साइड इंडस्ट्रीज, कॉन्साइन नेरोलैक, KPIT टेक्नोलॉजीज, नवभारत वेंचर्स, सोलारा एक्टिव फार्मा और VST इंडस्ट्रीज जैसे कुछ नाम शामिल हैं। इसके बाद अगर हम प्रीवियसली डिक्लेयर कुछ Q1 रिजल्ट के बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे टाटा मोटर्स का नाम आता है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने काफी बड़ा लॉस को यहाँ पे रिपोर्ट किया हुआ है, तो इसे देखते हुए आज मार्केट में इस स्टॉक में काफी बड़ा बियरिश साइड हमें दिखाई दे सकता है। टाटा मोटर्स ने इस बार 8,438 करोड़ का अपना लॉस को पोस्ट किया हुआ है, जबकि इसके रेवेन्यू में हमें 48% का ईयर ऑन ईयर एक डिक्लाइन देखने को मिल जाता है। इसका इबिटा 79% के मार्जिन से गिरा है, जबकि इसके इबिटा मार्जिन में हम एक शार्प फॉल को देख सकते हैं। ये लास्ट ईयर 4.87% था, जो कि इस बार घटते हुए 2% तक आ चुका है। करंटली इसके फाइनेंस कॉस्ट बढ़ने की वजह से हमें इसमें जो ग्रॉस बोरोइंग्स है वो भी काफी हाई होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे एक मेन कंसर्निंग फैक्टर है JLR, क्योंकि इसका रेवेन्यू काफी तेजी से 44% के मार्जिन से इस बार कम हुआ है। तो अगर JLR यहाँ पे अपनी कॉस्ट को मैनेज करने में कामयाब नहीं होता तो आपको आगे भी इस स्टॉक में एक बियर साइड दिखाई दे सकता है। तो इसे देखते हुए कंपनी अपने JLR सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग एक स्ट्रैटेजिक तौर पे करने चाहती है और कैश इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के चलते यहाँ पे 6,000 करोड़ का एक सेपरेट हमें बिजनेस कॉल आउट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो करंट सिनेरियो में इस स्टॉक में आपको थोड़ी सी बियरिश साइड दिखाई दे सकता है, तो आप इस स्टॉक के ऊपर आज अपना फोकस बनाए रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम UPL के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इसके रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट हमें दिखाई देते हैं, जबकि इसके नेट प्रॉफिट हमें 93% के मार्जिन से यहाँ पे ग्रो होता हुआ दिखाई देता है। इसके इबिटा हमें 29% के मार्जिन से यहाँ पे ग्रो होता हुआ दिखाई देता है, जबकि इसका इबिटा मार्जिन हमें एक ऑलमोस्ट 4-5% के मार्जिन से यहाँ पे ग्रो होता हुआ दिखाई देता है। हम करंटली इसका डेट मेंटेनेंस को 22,000 करोड़ पे देख सकते हैं, जबकि इसका जो सेपरेट रीजन से रेवेन्यू है उसमें हमें एक मार्जिनल डाउनसाइड दिखाई देता है। लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका रीजन में हमें इसके रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 16% और 14% का एक डिक्लाइन दिखाई देगा, जबकि हम यूरोप रीजन में यहाँ पे 1% का एक मार्जिनल अपसाइड को देख पाएंगे। इंडिया रीजन में भी हमें 27% का एक अपसाइड देखने को मिल जाता है, जबकि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के रीजन्स में इसमें ऑलमोस्ट 10% का एक अपसाइड को देख सकते हैं। तो करंट सिनेरियो में इसमें आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई दे सकता है, तो इस स्टॉक में आज हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ सकता है। तो आप इस स्टॉक का प्राइस मूवमेंट को देखते हुए इस स्टॉक में अपना ट्रेड आज प्लान कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम गोदरेज एग्रोवेट के बारे में बात करते हैं तो इसने भी अपने Q1 रिजल्ट को अनाउंस किया हुआ है, जिसमें हमें इसके रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 8.7% का एक डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके नेट प्रॉफिट में हम 16.4% का एक अपसाइड को देख सकते हैं, क्योंकि इसके इबिटा और इबिटा मार्जिन में हमें एक इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिखाई देता है। इसके जो बिजनेस सेगमेंट्स हैं, यानी कि एनिमल फीड बिजनेस सेगमेंट में हमें रेवेन्यू में 15% का एक डाउनसाइड दिखाई देता है, जबकि वेजिटेबल ऑयल बिजनेस में हम 8% का एक रेवेन्यू में अपसाइड को देख सकते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस में हम 12% का एक अपसाइड को देख सकते हैं, जबकि डेयरी बिजनेस में हमें 26% के मार्जिन से एक रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिल जाता है। पोल्ट्री और प्रोसेस फूड बिजनेस में हम रेवेन्यू में 22% का एक अपसाइड को देख सकते हैं। तो ओवरऑल हमें इसमें जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट दिखाई देता है। तो करंट सिनेरियो में इसमें आपको थोड़ी सी कंसोलिडेशन दिखाई दे सकता है, अदरवाइज आपको इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आगे कुछ टाइम के बाद यहाँ पे दिखाई पड़ सकता है। इसके बाद अगर हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इसके नेट इंटरेस्ट इनकम में हमें 30% का एक अपसाइड देखने को मिला है, जबकि इसके नेट प्रॉफिट में हमें एक शार्प 41% का एक डाउनसाइड यहाँ पे देखने को मिल जाता है।
इसके ग्रॉस एनपीएस हमें फ्लैट दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें नेट एनपीएस करंट क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर के मुकाबले मार्जिनली इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक ने कोविड 19 का देखते हुए टोटल प्रोविजनिंग कुछ ज्यादा किया हुआ है, जो कि करंटली 199 करोड़ तक पहुंच चुका है, और यहाँ पे एडिशनली इस क्वार्टर में 129 करोड़ का एक प्रोविजनिंग किया गया है। अगर हम एडवांसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे 22% का एक अपसाइड देखने को मिल जाता है, जबकि डिपॉजिट्स में हम 39% का यहाँ पे एक अपसाइड को देख सकते हैं। जैसा कि अभी हम देख सकते हैं इसका नेट प्रॉफिट काफी तेजी से घटा है, तो इसे देखते हुए हमें बैंक के शेयर में नियर टर्म में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो आपको इसका जो एनपीएस है वो आगे जाके यानी कि क्वार्टर वन के बाद क्वार्टर टू के रिजल्ट्स में आपको थोड़ी सी अपसाइड देखने को मिल सकता है, यानी कि हमें कुछ लोन्स यहाँ पे बैड डेट में कन्वर्ट होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो करंट सिनेरियो में हम इस स्टॉक के ऊपर अपना नजर बना रख सकते हैं, लेकिन हमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से इसमें अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद अगर हम टाटा केमिकल्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें इसके Q1 रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 9.1% का एक डिक्लाइन दिखाई दे सकता है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमें 91% के मार्जिन से घटता हुआ दिखाई देता है, जिस वजह से आगे आपको इस स्टॉक में एक शार्प डाउनसाइड दिखाई पड़ सकती है। इसके इबिटा और इबिटा मार्जिन में हमें एक शार्प फॉल दिखाई देता है, तो आपको इस स्टॉक में करेंटली अगर आप इन्वेस्टेड है तो आपको एग्जिट करने के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। यहाँ पे इसका जो मेन रीजन है, क्योंकि हायर इनपुट कॉस्ट रहा, इस वजह से हमें मार्जिन में एक इम्पैक्ट देखने को मिला, जबकि हायर डेप्रिसिएशन कॉस्ट की वजह से हमें इसके नेट प्रॉफिट में इतना बड़ा फॉल इस बार देखने को मिलता है। इसका जो बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स है उसमें हमें 14% के मार्जिन से रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिला है, जबकि स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में हम इस बार 7% के मार्जिन से रेवेन्यू में एक अपसाइड को देख सकते हैं। तो करेंटली इस स्टॉक में जो ट्रेंड है वो काफी बियरिश दिखाई देता है, तो इस स्टॉक में आज और अगले कुछ दिनों तक हमें एक बियरिश साइड मार्केट में दिखाई पड़ सकता है। इसके बाद अगर हम आयल केमिकल्स के बारे में बात करते हैं तो इसने Q1 रिजल्ट में काफी शानदार परफॉर्म किया हुआ है, जबकि इसके रेवेन्यू में हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक मार्जिनल डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिला है। इसके नेट प्रॉफिट में हमें 49.5% का एक अपसाइड देखने को मिला, जबकि हम इसके इबिटा मार्जिन में और इबिटा में एक अपसाइड को यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का जो फाइनेंस कॉस्ट है उसमें हमें 78% का एक डिक्लाइन देखने को मिला है, जिससे हमें इसके एक्सपेंसेस में काफी गिरावट इस बार देखने को मिला है। कंपनी के पास इस बार डेफर्ड टैक्स रिवर्सल 18.2 करोड़ पे देखा गया है, और इसके जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उसमें हमें एक मार्जिनल सेल्स और रेवेन्यू में एक डिक्लाइन देखने को मिला है। इस बार हमें केमिकल सेगमेंट में रेवेन्यू में 21% का एक डिक्लाइन देखने को मिला है, जबकि हम इस बार ड्रग सेगमेंट में ऑलमोस्ट एक फ्लैट ट्रेंड को देख सकते हैं। तो करंट सिनेरियो में ये स्टॉक काफी ज्यादा तेज हो चुका है, लेकिन इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हुए इस स्टॉक की प्राइस मूवमेंट में हमें कुछ दिनों तक एक अपसाइड दिखाई पड़ सकता है। तो आपको अगर इस स्टॉक में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है तो आप इसे करंट सिनेरियो में कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम रिलैक्सो के बारे में बात करें तो इसने अपने Q1 रिजल्ट में काफी बियरिश रिजल्ट को यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है। हमें इसके रेवेन्यू में लोअर कंज्यूमर डिमांड के चलते 44% का एक डिक्लाइन देखने को मिला है, जबकि इसके नेट प्रॉफिट में हमें इस बार 51% के मार्जिन से एक गिरावट देखने को मिला है। इसके इबिटा हमें 60% के मार्जिन से डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इबिटा मार्जिन में हम ऑलमोस्ट 5-6% का यहाँ पे एक डिक्लाइन को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इसके दूसरे अदर इनकम में एक उछाल देखने को मिला है, जिससे एक बात साफ होता है इसके कोर बिजनेस से हमें थोड़ी सी कम यहाँ पे बिजनेस दिखाई पड़ता है। तो इसके चलते हमें इस स्टॉक में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी इसमें दिखाई दे सकता है, तो हम इस स्टॉक के ऊपर अपना नजर बनाए रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम इसके Q1 रिजल्ट में इसके नेट रेवेन्यू में और इसके नेट इंटरेस्ट इनकम में एक शार्प अपसाइड देखने को मिलेगा, जबकि इसके नेट प्रॉफिट में हमें 22% का एक डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। इसका ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो 53.9% के मार्जिन से ग्रो हुआ है, जबकि इसके बोरोअर्स 56% के मार्जिन से इस बार 40.1 लाख कंज्यूमर्स तक पहुंच चुके हैं। इसने इस बार COVID-19 के चलते एडिशनल प्रोविजनिंग 245 करोड़ का किया है, जबकि इसके ग्रॉस एनपीएस हमें 1.62% के मार्जिन से दिखाई पड़ता है। इस बार
कंपनी का जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो 74% तक आ चुका है, जो कि प्रीवियस जो कि जुलाई में 76% तक आ चुका है, जो कि जून में 74% पे देखा गया था। इसका मोरेटोरियम बुक इस बार 26% तक आ चुका है, जो कि अप्रैल में ऑलमोस्ट 100% के करीब था। इसका प्रोविजन कवर इस बार 16.4% पे देखा गया है। तो करंट सिनेरियो को देखते हुए ये अपना जो लोन बुक है वो काफी जल्द इसे रिकवर करने में कामयाब हो सकता है। इस बार जो क्यूमुलेटिव डिस्पर्समेंट रहा वो 573 करोड़ रहा। तो ऐसे देखते हुए अगर यहाँ पे कंज्यूमर डिमांड में एक तेजी देखने को मिलता है तो बैंक के लोन बुक में हमें न्यू क्वार्टर में एक अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ सकता है। फाइनली अगर हम विनती ऑर्गेनिक्स के Q1 रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें इसके नेट रेवेन्यू में 22% के मार्जिन से एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा, जबकि इसके नेट प्रॉफिट में हम 12% का एक डाउनसाइड को देख सकते हैं, जबकि इसका जो ईबीटा और ईबीटा मार्जिन है वो हमें ऑलमोस्ट फ्लैट यहाँ पे दिखाई पड़ता है। ईबीटा में हमें 22% का डिक्लाइन दिखाई देता है, जबकि ईबीटा मार्जिन में हम ऑलमोस्ट एक फ्लैट ट्रेंड को देख सकते हैं। तो करंट सिनेरियो में इसमें आपको थोड़ी सी कंसोलिडेशन दिखाई दे सकता है, तो हम इसके प्राइस मूवमेंट को देखते हुए इसमें अपना जो ट्रेड है उसे प्लान कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम जुलाई ऑटो सेल्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, टीवीएस मोटर्स और स्कॉट्स के ऑटो सेल्स फिगर्स के बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देखने को मिल जाएगा। इस बार मारुति सुजुकी के टोटल सेल्स में हमें एक फ्लैट ट्रेंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये लास्ट टाइम के मुकाबले हमें 1.1% की मार्जिनल मार्जिन से डाउन साइड में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंज्यूमर डिमांड धीरे धीरे बढ़ने के वजह से हमें यहाँ पे इसकी सेल्स फिगर में एक इम्प्रूवमेंट इस बार दिखाई देता है। इस बार जो एक्सपोर्ट्स है वो 27% के मार्जिन से हमें डाउन साइड में दिखाई देता है, जबकि यहाँ पे हम मिनी और कॉम्पैक्ट सेगमेंट में सेल्स में एक फ्लैट ट्रेंड को देख सकते हैं। पैसेंजर कार सेल्स में हमें 2% का एक डाउन साइड दिखाई देता है, जबकि हम डोमेस्टिक पीवी सेल्स में 1.3% का एक मार्जिनल अपसाइड को यहाँ पे देख सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प के केस में हमें ओवरऑल सेल्स में 14% का एक अपसाइड देखने को मिलेगा, जबकि मोटरसाइकिल सेल्स में हम एक फ्लैट ट्रेंड को यहाँ पे देख सकते हैं। स्कूटर सेल्स भी इस बार ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर के मुकाबले ऑलमोस्ट फ्लैट हमें दिखाई देते हैं, जबकि एक्सपोर्ट्स में हमें पिछले महीने के मुकाबले यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट होता हुआ हम देख सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के केस में हमें ओवरऑल सेल्स में 33% का एक अपसाइड दिखाई देता है, जबकि पैसेंजर व्हीकल्स में हमें सेल्स में अप टू 37% का एक अपसाइड जुलाई के सेल्स फिगर में दिखाई देता है। डोमेस्टिक सेल्स में हम 31% और एक्सपोर्ट्स में हम 72% का एक अपसाइड को देख पाएंगे, जबकि हमें हेवी कमर्शियल व्हीकल्स के केस में यहाँ पे सेल्स फिगर में 37% का एक अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल फार्म इक्विपमेंट सेल्स में हमें 30% का एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा, जबकि फार्म इक्विपमेंट एक्सपोर्ट्स में हमें 34% का एक अपसाइड इस बार देखने को मिल जाएगा। अशोक लीलैंड के केस में हमें ओवरऑल सेल्स में ऑलमोस्ट डबल यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जबकि एलसीबी के केस सेल में हमें 87% का एक अपसाइड इस बार देखने को मिल जाता है। हेवी कमर्शियल व्हीकल के केस में हमें यहाँ पे मोर देन 2 times इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो इसे देखते हुए अशोक लीलैंड का जो कंज्यूमर डिमांड है उसमें हमें काफी जल्द एक तेजी दिखाई पड़ सकता है। टीवीएस मोटर के केस में हम यहाँ पे ओवरऑल सेल्स फिगर में 27% का एक अपसाइड को देख सकते हैं, जबकि टू व्हीलर के सेल्स में हमें इस बार 28% का एक अपसाइड दिखाई पड़ता है। एक्सपोर्ट्स हमें 17% के मार्जिन से ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि थ्री व्हीलर के सेल्स फिगर में हमें इस बार 23% का एक अपसाइड दिखाई पड़ता है। स्कॉट्स के सेल्स में हम इस बार एक भारी डाउनसाइड को देख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक काफी ज्यादा ओवरप्राइस हो चुका है। तो इसे देखते हुए हमें स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर अगले कुछ दिनों तक दिखाई पड़ सकता है। डोमेस्टिक सेल्स में हमें 53% का मार्जिन से एक डिक्लाइन देखने को मिला है, जबकि एक्सपोर्ट्स हमें 62% के मार्जिन से यहाँ पे ग्रो होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे कंपनी कुछ सप्लाई चेन्स में चैलेंज फेस कर रही है, जिसे देखते हुए कंपनी के जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है वो करंटली 50% पे हमें रन होता हुआ दिखाई देता है। तो आपको करंटली एस्कॉर्ट्स में थोड़ी सी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकता है, और ये स्टॉक आगे आने वाले कुछ टाइम में प्रॉफिट बुकिंग के चलते हमें नीचे की ओर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। इन सब के अलावा अगर हम एक इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आयोल केमिकल्स अपना एक दूसरा सेगमेंट स्टार्ट करने वाली है, यानी कि दूसरा एक फैक्ट्री यहाँ पे सेटअप कर सकती है।
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने की वजह से हमें इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और रेवेन्यू है उसमें अगले कुछ क्वार्टर से एक अपसाइड दिखाई पड़ सकता है। तो इसका जो एक्सपेंशन प्लान है उसे देखते हुए हमें इस स्टॉक के ब्राइट फ्यूचर के ऊपर हमें काफ़ी अच्छा प्रोजेक्शन दिखाई पड़ता है। तो नियर फ्यूचर में हमें स्टॉक में और भी बेटर रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आपको इस स्टॉक में एक अपसाइड नियर टर्म में यहाँ पे दिखाई पड़ सकता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल पे आप ऑल को सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस डेली बेसिस पे लाते रहें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।